कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। आज इसका टॉपिक डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। डाटा की डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की जो कलेक्शन होती है, जो मजमूआ होता है, उसे डाटा कहते हैं। ये रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं? द वर्ड रॉ मीन्स द फैक्ट्स दैट आर अनप्रोसेस्ड। रॉ का मतलब है वो फैक्ट्स जो के अनप्रोसेस्ड हों, उन्हें रॉ कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कैसे है? जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप उसको अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर नेम और ये सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह बताते हैं। तो ये एक डाटा होता है जिससे कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। वो डाटा जो कि प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ये एक मैनेज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसकी एग्जांपल ये होगी। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस कैन बी यूज्ड टू जनरेट लिटरेसी डेटा ऑफ ए कंट्री। सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी को और लिटरेसी कहते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका मतलब ये है कि हम मर्दमशुमारी के डाटा से ये इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं कि किस कंट्री में कितने लोग एजुकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में। डाटा प्रोसेसिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी इजी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वो अमल जिसके जरिए से हम डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हैं उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे मैंने लिखा है कंप्यूटिंग भी प्रोसेसिंग को कहते हैं, तो आपने ये लिखना है इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। आगे मैंने लिखा है बेसिक स्टेप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के बेसिक बुनियादी स्टेप्स कौन से हैं? डेटा प्रोसेसिंग के बुनियादी स्टेप्स 3 हैं। अब बात आती है कौन कौन से। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 आउटपुट। इनपुट क्या है? जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहते हैं। उस इनपुट को प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है उस अमल को प्रोसेसिंग कहते हैं, और उससे जो चीज जनरेट होती है, जो डिस्प्ले होती है, उसे आउटपुट कहा जाता है। नीचे मैंने कुछ लिखा है कि इनपुट को डाटा कहते हैं, प्रोसेसिंग को कंप्यूटर या प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, आउटपुट को इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। नीचे मैंने कुछ डाटा लिखा है, यहां पर आप हेडिंग देंगे कि ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर हम कुछ डाटा लेंगे और इसको फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। एग्जाम्पल ये है, N1 कोई नंबर है 2 और N2 कोई नंबर है 3। ये एक डाटा है और 2+3 ये प्रोसेसिंग हो रही है, 2 और 3 ऐड हो रहे हैं, इससे जनरेट होगी इंफॉर्मेशन 5। ये जो 5 है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास आउटपुट है। ये 2+3 प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटिंग हो रही है, ये प्रोसेसर कर रहा है। और नंबर 1 और नंबर 2 ये डाटा है जो कि इनपुट किए गए हैं।